वालेकुम अजीज़ तलबा तालबा बुक वन के दूसरे सबक क्लियरिंग इन द स्काई के दूसरे लेसन के साथ चांद रिजवी एक बार फिर आपकी खिदमत में अभी तक हमने पढ़ा कि मुसनफ़ का बाप मुसनफ़ कोई चीज़ दिखाने के लिए लेके जा रहा है और रास्ते में एक जंगल पड़ता है और बाप जंगल की इतनी तारीफ करता है कि बेटा पूछता है इज़ दैट क्या यही है वट यू वॉन्टिड टू शो मी जो आप मुझे दिखाना चाहते थे क्या आप यही मुझे दिखाना चाहते थे आई आस्ट मैंने पूछा ओह नो नो ओह नहीं नहीं ही सेड उसने कहा एज ही बिगैन टू क्लाइम चढ़ना शुरू करते हुए क्लाइम चढ़ना स्केल एस सी ए एल ई स्केल असेंड ए एस सी ई एन डी द सेकेंड ब्लफ बल्फ किसी ऐसी चटान को कहते हैं जो दीवार की तरह बिल्कुल अमूदी होती है दूसरी अमूदी चटान पर दैट लिफ्टिड लिफ्टिड ऊपर को उठना अब अचानक अचानक ऊपर को उठती हुई फ्राम द फ्लैट फ्लैट हमवार मैदान प्लेन पी एल ए आई एन प्लेन टूवर्ड द स्काई आसमान की तरफ ओह नो नो ओह नहीं नहीं उसने हमवार मैदान से आसमान की तरफ अचानक ऊपर को उठती हुई दूसरी अमूदी चटान पर चढ़ना शुरू करते हुए कहा दाइंस सनोबर के दरख्त ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन टॉप पहाड़ की चोटी जिसको हम क्रेस्ट कह सकते हैं सी आर ई एस टी या एक्मी कह सकते हैं ए सी एम ई अब हमारे ऊपर हमारे ऊपर पहाड़ की चोटी पर स्नोबर के दरख्त लुक्ट ऐसे लग रहे थे एज़ इफ़ जैसा कि गोया के द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बाउज बाओ शाखें और स्नोबर के स्नोबर एक कॉनीफेरस्ट्री है इसकी शाखें इसके पत्ते नहीं होते और इसकी शाखें उंगली नुमा होती हैं जैसा कि वो अपनी लंबी लंबी उंगली नुमा शाखें वर फोंडलिंग प्यार से फेर रहे हों फ्डल का मतलब होता है जानवरों के या बच्चों के जिसम पर प्यार से हाथ फेरना इसको क्रेस भी कहते हैं सी ए R E -S, S. The substance of a white cloud. Substance का मतलब material होता है यहाँ पर सब्सटेंस का मतलब होगा बॉडी जिसम हमारे ऊपर पहाड़ की चोटी पर सनोबर के दरख्त ऐसे लग रहे थे गोया वो अपनी लंबी लंबी उंगली नुमा एक किसी सफ़ेद बादल के जिसम पर प्यार से फेर रहे हों वटर जो कुछ भी म फादर वांटेड मेरा बाप चाहता था मी के मैं टू सी देख लूँ वॉज वो चीज़ थी ऑन टॉप ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माई फॉर्म मेरे ज़री रकबे के बुलंद तरीन मकाम की चोटी पर मेरा बाप जो कुछ भी मुझे दिखाना चाहता था वो चीज़ मेरे जरी रकबे के बुलंद तरीन मकाम की चोटी पर थी एंड विद द एक्सेप्शन एक्सेप्शन द लास्ट थ्री यर्स और पिछले तीन बरसों के अलावा आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैं उस मकाम पर गया था मैनी टाइम्स कई मरतबा और पिछले तीन बरसों के अलावा मैं उस मकाम पर कई मरतबा गया था आई हैड नवर सीन मैंने कभी नहीं देखी थी एनी थिंग कोई भी चीज़ एक्स्ट्रॉडनरी गैर मामूली एक्स्ट्रॉडनरी अनकॉमन अन अपॉन दिस हाई पॉइंट उस बुलंद मकाम पर ऑफ रगिड लैंड रगिड नाहमवार रफ अन ईवन मैंने उस नाहमवार इलाके के बुलंद मकाम पर कभी कोई गैरमूली चीज़ नहीं देखी थी तो क्या देखा था तीन साल पहले आई हैड सीन मैंने देखी थी द ब्यूटी खूबसूरती ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स मैंने काफ़ी सारे जंगली फूलों की खूबसूरती यानी कि मैंने काफ़ी सारे खूबसूरत जंगली फूल फ्यू रॉक क्लिप्स रॉक पथरीली क्लिप्स चटाने चंद एक पथरीली चटाने एंड मैंने स्पीशीज़ स्पीशीज़ टाइप्स काइंड्स और काफ़ी सारी एकसाम देखी थी ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज़ सख्त और नरम लकड़ी वाले दरख्तों की मैंने काफ़ी सारे खूबसूरत जंगली फूल चंद एक पथरीली चटाने और सख्त और नरम लकड़ी वाले दरख्तों की काफ़ी सारी अकसाम देखी थी वाई डू यू टेक आप क्यों ले रहे हैं द पाथ स्ट्रेट अप द पॉइंट स्ट्रेट सीधा वर्टिकल आप उस मकाम पर जाने के लिए ये सीधा रास्ता क्यों ले रहे हैं आई आस्क्ड मैंने पूछा तो बच्चों ये हमें पता है कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए बिल्कुल सीधा हम कभी भी किसी पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते हमें ज़िग जैग सा रास्ता बनाना पड़ता है तो तभी हमारे लिए पहाड़ पर चढ़ना मुमकिन होता है लेकिन यहाँ बूढ़ा बिल्कुल एक सीधा रास्ता उस अमूदी चटान पर जाने के लिए ले रहा है तो बेटे ने पूछा कि आप उस मकाम पर जाने के लिए ये सीधा रास्ता क्यों ले रहे हैं लुक एट दिस अदर पाथ्स इन दूसरे रास्तों को भी देखिए वट आर दे डूइंग हीर वो यहाँ क्या कर रहे हैं मतलब इन दूसरे रास्तों का और क्या काम है ये दूसरे रास्ते किस लिए हैं और भी रास्ते हैं लेकिन बाप ने सबसे मुश्किल और सीधा रास्ता इख्तियार किया है इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड्स इन अंदर अंदर डिस्टेंस फासला स्पेन एस पी एन स्पेन और यार्ड कहते हैं गज़ को विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड्स चंद एक गज़ के फासले के अंदर अंदर सेवरल पाथ्स काफ़ी सारे रास्ते लेफ्ट द मेन पाथ असल रास्ते से हट कर एंड सर्कल्ड अराउंड द स्लोप स्लोप उस ढलवान के गिर्द चक्कर लगाते हुए ग्रेजुअली ग्रेजुअली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता क्लाइमिंग द माउंटेन पहाड़ पर ऊपर जा रहे थे चंद एक गज़ के फासले के अंदर अंदर काफ़ी सारे रास्ते असल रास्ते से हटकर उस ढलवान पर चक्कर लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे थे तो और भी बहुत सारे रास्ते थे जो कि कदरे आसान थे लेकिन बाप ने सबसे मुश्किल रास्ता लिया आल सेम प्लेस सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं ही आंसर्ड उसने जवाब दिया आंसर रिप्लाई रिस्पॉन्ड देन तो फिर वाई डू यू टेक द स्टीप वन स्टीप का मतलब भी अमूदी होता है वर्टिकल सीधा तो फिर आप ये अमूदी रास्ता क्यों ले रहे हैं आई आस्ट मैंने पूछा आई विल एक्सप्लेन लेटर एक्सप्लेन वजाहत करना लेटर बाद में मैं बाद में इसकी वजाहत करूँगा ही स्पोक उसने कहा विद हाफ ब्रेथ्स हाफ breath फूली हुई सांस उखड़ी हुई सांस तो उसने उखड़ी हुई सांस के साथ कहा ही rested रेस्ट rest, रुका अ मिनट वो एक मिनट के लिए रुका वो पल भर के लिए रुका टू कैच हिज सेकंड विंड सेकंड विंड कैच द सेकंड विंड का मतलब होता है ताज़ा दम होना सांस बहाल करना न्यू इनर्जी तो वो अपनी सांस बहाल करने के लिए ताज़ा दम होने के लिए पल भर के लिए रुका वायल इस दौरान आई मैनेज मैं जैसे तैसे टू स्टैंड खड़ा हुआ ऑन द पाथ उस रास्ते पर और इस दौरान मैं उस रास्ते पर जैसे तैसे खड़ा हुआ बाय होल्डिंग होल्ड पकड़ना ग्रैस्प ग्रिप टू अटल सैपलिंग सैपलिंग एक छोटा सा दरख्त यंग ट्री जबकि इस दौरान मैं उस रास्ते पर एक छोटे से दरख्त को पकडकर जैसे तैसे वहाँ खड़ा हुआ बिकॉज क्योंकि इट वॉज़ टू स्टीप इट रास्ता, क्योंकि रास्ता इतना अमूदी था फाराई फीट के मेरे पाँव टू होल्ड होल्ड जम जाना कि मेरे पाँव जम ना सकते थे अनलैस अगर आई ब्रेसड माई सेल्फ मैं ख़ुद को ना संभालता ब्रेस संभालना सपोर्ट स्टडी और बच्चों अनलैस का मतलब होता है इफ़ नाट और चूँकि अनलैस के अंदर ही इफ़ नाट नाट मौजूद होता है लिहाजा आपने याद रखना है कि अनलैस के साथ के साथ कभी भी नॉट इस्तेमाल नहीं करना लेकिन तर्जमे में आएगा क्योंकि रास्ता इतना अमूदी था कि अगर मैं ख़ुद को ना संभालता तो मेरे पाँव जम ना पाते देन म फादर फिर मेरे बाप ने स्टार्टेड टू मूव चलना शुरू कर दिया स्लोली आहिस्ता आहिस्ता अप द पाथ अगेन फिर मेरे बाप ने एक बार फिर उस रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया स्पोर्टिंग हिमसेल्फ सहारा खुद को सहारा देकर विद हिज़ केन छड़ी का सहारा देकर छड़ी के सहारे से मेरे बाप ने एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते पर दोबारा चलना शुरू कर दिया आई फॉलोड एट हिज़ हील्स फॉलो का मतलब भी पीछे पीछे चलना और एट हील्स का मतलब भी पीछे पीछे चलना होता है आई फॉलोड एट इज heels. मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा जस्ट अ फ्यू स्टेप्स चंद एक कदम इन फ्रंट ऑफ हिम उसके आगे उसके चंद एक कदम आगे अ फॉक्स स्क्विरल स्क्विरल गुलहरी को कहते हैं और जंगली गुलहरियाँ काफ़ी बड़ी होती हैं साइज में जिन्हें फॉक्स स्क्विरल कहा करते हैं एक जंगली गुलहरी ने क्रॉस्ड द पाथ रास्ता काटा एंड रैन अप और चढ़ दौड़ी आ हिकरी ट्री और हिकरी के एक दरख्त पर चढ़ दौड़ी उसके चंद कदम आगे एक जंगली गुलहरी ने रास्ता काटा और हिकरी के एक दरख्त पर चढ़ दौड़ी सी दैट जस जस उसे देखो ही शाउटेड उसने चिल्लाकर कहा यस आई डिड हाँ मैंने देख लिया आई आंसर्ड मैंने जवाब दिया तो बाप ने कहा दैट ये यानी कि ये जंगली गुलहरी ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी ब्रिंग बैक याद दिलाना रिमाइंड जिसको हम कहते हैं यह जंगली गुलहरी मुझे कुछ याद दिलाती है ही सेड उसने कहा ब्रिंग्स बैक याद आ जाते हैं द ओल्ड डेज पुराने दिन टू सी अ फॉक्स क्यूरल एक जंगली गुलहरी को देखकर पुराने दिन याद आ जाते हैं बट दिस लेकिन ये जंगली गुलहरी वोंट ब्रिंग बैक याद नहीं दिलाती एज़ मच उतना लेकिन ये जंगली गुलहरी उतना याद नहीं दिलाती एज समथिंग जितना कि वो चीज़ याद दिलाती है आई एम गोइंग टू शो यू जो मैं तुम्हें दिखाने लगा हूँ लेकिन ये जंगली गुलहरी उतना ज़्यादा याद नहीं दिलाती जितना कि वो चीज़ याद दिलाती है जो मैं तुम्हें दिखाने लगा हूँ माई क्यूरियासिटी वाज अराउज क्यूरियासटी तजस इंटरेस्ट अराउज बेदार होना पैदा होना सर उभारना मुझ में तजस ने सर उभारा मेरा तजस बेदार हुआ आई थाट मैंने सोचा ही हैड फाउंड के उसे मिल गया होगा फ़ाउंड का मतलब यहाँ पर डिस्कवर भी ले सकते हैं दरियाफ्त करना के उसने दरियाफ्त कर लिया था दरियाफ्त कर ली थी अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास कोई नई तरह की जंगली घास और एन अनफमीलियर हर्ब अनफमिलियर अनोन जिसके बारे में लोग ना जानते हों और हर्ब वो जड़ी बूटी होती है जो किसी दवाई वगैरह बनाने के काम आती है और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री या किसी किस्म का नया दरख्त मैंने सोचा कि उसने कोई नई किस्म की जंगली घास या कोई अनजानी सी जड़ी बूटी या कोई नई किस्म का दरख्त दरियाफ्त कर लिया था जो मुझे वो दिखाने लगा था फार क्योंकि आई रिमेम्बर द टाइम क्योंकि मुझे वो वक्त याद था वो ज़माना याद था ही हैड फाउंड जब उसने दरियाफ़त किया था जब उसे मिला था अ कॉफ़ी ट्री कॉफ़ी का एक दरख्त इन आवर वुड्स हमारे जंगल में क्योंकि मुझे वो वक्त याद था जब उसे हमारे जंगल में कॉफी का एक दरख़त मिला था इट इज़ ये दरख्त एज़ फार एज़ जहाँ तक आई नो मुझे इल्म है द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड अपनी नोयीत का वाहिद दरख्त था ग्रोइंग उगने वाला इन आवर कंट्री हमारे मुल्क में और यहाँ आप कंट्री का मतलब मुल्क भी ले सकते हैं और इलाका भी ले सकते हैं और जहाँ तक मुझे इल्म है ये हमारे मुल्क में अपनी नोयीत का उगने वाला वाहिद रख था ओनली ट्वाइस सिर्फ दो मरतबा डिड म फादर स्टॉप मेरा बाप रुका टू वाइप द स्वेट पसीना पहुँचने के लिए फ्राम हिजाइज अपनी आँखों से मेरा बाप अपनी आंखों से पसीना पहुँचने के लिए सिर्फ़ दो मुरतबा रुका एज़ ही क्लाइम्ब स्टीप ब्लफ उस दूसरी अमूदी चटान पर चढ़ते हुए टवर्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइंस सनोबर की उंगली नुमा शाखों की तरफ तो मेरा बाप सनोबर की उंगली नुमा शाखों की तरफ उस दूसरी अमूदी चटान पर चढ़ते हुए अपनी आंखों से पसीना पहुँचने के लिए सिर्फ़ दो मरतबा रुका वी रीच्ड हम पहुंचे द लिमलेस ट्रंक्स लिम पार्ट और दरख्त का पार्ट ब्रांच तो लिमलेस ब्रांचलेस बेशाख सपार्ट ट्रंक स्टेम तने वी रीच्ड द लिमलेस ट्रंक्स ऑफ दिस स्टॉल स्टेट पाइंस हम उन ऊंचे और सीधे स्नोबर के बेशाख तनों के पास पहुँचे हुज ब्रांचेस जिनकी शाखें रीच्ड टवर्ड द ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई जिनकी शाखें गहरे नीले आसमान को की तरफ फैली हुई थी और द वाइट क्लाउड या उस सफ़ेद बादल की तरफ वजनगॉन जो अब जा चुका था बच्चों आपके इस टेक्स्ट बुक में काफ़ी सारी प्रिंटिंग की गलतियाँ भी हैं तो जो असल लेसन है असल स्टोरी है जिसका टेक्स्ट आपको गूगल बुक्स पर मिल सकता है वहाँ असल टेक्स्ट में और की जगह फॉर है जिससे मतलब थोड़ा तब्दील हो जाता है लेकिन चूँकि हमारी इस टेक्स्ट बुक में और है लिहाजा हमें जैसे तैसे इसी तरह से ये तर्जमा करना पड़ेगा कि हम उन ऊंचे लंबे और सीधे बेशाख तनों वाले सनोबर के दरख्तों के पास पहुँचे जिनकी शाखें अब नीले गहरे आसमान की तरफ फैली हुई थीं या उस सफ़ेद बादल की तरफ जो कि अब गायब हो चुका था गॉन गायब दिस अपियर्ड आई सॉ clearing मैंने ज़मीन का साफ किया गया एक कथा देखा a small क्लियरिंग यह एक छोटा सा कथा था अफ नट मोर than थ्री फोर्थ्स ऑफ एन एकर थ्री फोर्थ्स तीन चौथाई तीन बटा चार सेवेंटी फाइव परसेंट एकड़ एकड़ जो एकड़ के तीन चौथाई से ज़्यादा बड़ा नहीं था इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस हार्ट सेंटर वस्त और विल्डरनेस जंगल बेयाबान राइट ऑन द माउंटेन टॉप राइट का मतलब एन पहाड़ की चोटी के एन ऊपर मैंने ज़मीन का एक साफ किया गया कता देखा एक छोटा सा कथा था जो एक एकड़ के तीन चौथाई से ज्यादा बड़ा नहीं था और पहाड़ की चोटी के एन ऊपर इस जंगल ब्याबान के वस्त में वाक था तो जब इस कते पर लेकर आया बाप तो उसने बेटे से कहा नाओ यूर कमिंग टू समथिंग सन इन टू समथिंग यह एक मुहावरा है कि अब तुम पहुंचे ना सही जगह पर बेटा अब तुम पहुँचे ना सही जगह पर ही सेड उसने कहा एज ही पुश्ड डाउन द टॉप वायर वायर तार उसने सबसे ऊंची तार को नीचे करते हुए कहा सो दैट ताकि ही कुड क्रॉस द फेंस वो इस बाड़ को अबूर कर सके तो कथा था और कते के चारों तरफ एक बाड़ लगी हुई थी हिफाजती जंगला जिसको हम बैरियर कह सकते हैं या पेलिंग कह सकते हैं पी ए एल आई एन जी तो उसने बाढ़ को अबूर करने के लिए सबसे ऊंची तार को नीचे करते हुए कहा दिस इज समथिंग ये थी वो चीज आई वांट यू टू सी जो मैं चाहता था कि तुम देख लो हु डिड दिस ये किसने किया आई आस्क्ड मैंने पूछा हु क्लियरड दिस लैंड किसने इस ज़मीन को साफ किया एंड फेंस्ड इट और बाड़ लगाई फेंसड इट और बाड़ लगाई भी अगेंस्ट वट तो किस से बचाव के लिए तो बेटे का एक नेचुरल बात थी कि इतनी ऊंची जगह पर इतनी पहाड़ की चोटी पर दुशवार गुजार रास्ता अबूर करके किसने ये जंगल को साफ़ किया और किसने बाढ़ लगाई और अगर बाढ़ लगाई भी तो किससे बचाव के लिए स्ट्रे कैटल स्ट्रे आवारा भूले भटके कैटल मवेशी तो भूले भटके मवेशियों आवारा मवेशियों के लिए इफ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर अगर वो कभी चरागाह से बाहर आ जाए चरागाह से कभी बाहर आने वाले भूले भटके मवेशियों के लिए ही मी उसने मुझे जवाब दिया कर्टली रूखेपन से तो बाज़ात इंसान जब गुस्से में हो या बड़ा मगरूर फील कर रहा हो तो वो दो टोक बात करता है मुख्तसर बात बात करता है उस दो टोक बात को उस मुख्तसर बात को जो आम तौर पर रूखेपन से बदतमीज़ी यानी कि रूडली की जाती है उसको कर्टली कहते हैं ही आंसर्ड में कर्टली उसने मुझे रूखेपन से जवाब दिया कर्टली को आप ब्रीफली भी कह सकते हैं और रूडली भी कह सकते हैं आई क्लियर दिस लैंड मैंने इस ज़मीन को साफ किया एंड आई फेंसड इट और और मैंने बाढ़ लगाई बट वाई डिड यू एवर लेकिन आप आखिर क्यों क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप लेकिन आखिर आप इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े एंड डू दिस और ऐसा क्यों किया आई आस्ट हिम मैंने उससे पूछा लुक एट द फर्टाइल लैंड फर्टाइल जरखेज़ इसको हम फीकंड कह सकते हैं एफ ई सी यू एन डी इस जरखेज़ ज़मीन को तो देखिए वी हैव इन द वैली वादी में हमारे पास जो जरखेज़ ज़मीन है ज़रा उसको तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने काश्तकारी करनी थी तो हमारे पास तो वादी में बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है जहाँ दुनिया की सबसे अच्छी घास उगती है तो यकीनन हमें वहाँ पर काश्तकारी करनी चाहिए थी तो बच्चों आज के लिए इतना ही कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे अगले लेक्चर के साथ तब तक के लिए चांद रिजवी को खुदा हाफिज